प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश में कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करते हुए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। बैठक में उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। 22 मार्च को देश में लागू लॉकडाउन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चौथी बार सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बात की, जिसमें महामारी की स्थिति और महामारी रोकने के लिए केंद्र और राज्य द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा की गई। इस वर्चुअल बैठक में केंद्र स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में शामिल होने वाले मुख्यमंत्रियों में अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, ईके पलानीस्वामी साथ योगी आदित्यनाथ भी शामिल थे। बैठक में प्रधानमंत्री सफेद और हरे रंग के बॉर्डर वाले गमछे से अपना मुंह ढके हुए दिखे। बैठक के दौरान मिजोरम के मुख्यमंत्री ने कहा कि जो केंद्र सरकार का फैसला होगा उसे राज्य स्वीकार करेगा। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने भी राज्य के कोरोना योद्धाओं के लिए व्यक्तित्व सुरक्षा उपकरण और अन्य चिकित्सा उपकरण प्रदान करने के लिए केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की। सूत्रों के अनुसार बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि सामूहिक प्रसार का लाभ दिख रहा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का हमें लाभ भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत बेहतर स्थिति में है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें लाइव न्यूज़।